नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वीडियो में आप सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हुई तीखी बहस देख सकते हैं। काफ़ी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर। दरअसल सेशन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 2014 के एक अखबार की कटिंग लेकर पहुँचते हैं। उस दौरान यूपी के सीएम अखिलेश यादव थे। उस दौरान का एक मैच का जिक्र करते हैं, जो मैच अखिलेश यादव और अधिकारियों के बीच होता है। उस मैच को अखिलेश यादव जीत लेते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर उस मैच में अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं। चाचा शिवपाल यादव से लेकर आजम खान तक की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हैं, जिसके जवाब में अखिलेश यादव सीएम योगी को मैच खेलने की चुनौती देते हैं। काफ़ी तू तड़ाक भी होती है और भी कई तरह की बातें होती है, छक्का छक्कों पर बातें होती है। सीएम योगी जो है अखिलेश के पिता के बारे में कुछ बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जनता ये सवाल पूछ रही है कि जो जनता टैक्स भरती है, जिनसे सरकार चलती है, ये सदन चलते हैं, सेशन चलते हैं, उनके अंदर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर कब बातें होगी? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब आदमी मर रहा है, नशे में लोग हैं, शराब पीकर मर रहे हैं, नशे में ना जाने क्या क्या अपराध करते हैं, और शिक्षा के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं, तो इन मुद्दों पर कब बातें होगी? हालांकि सीएम योगी ने यह कहा कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो 6 साल से राज्य में उनकी सरकार है, कब मिलाएंगे? क्या यूपी में मिट्टी की कमी है? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश से, राज्य से गुंडागर्दी खत्म हो, माफियागिरी खत्म हो, हर कोई चाहता है। और अभी हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो देश में चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक सद्भावना है वो ख़त्म हो। चाहे वो प्रयागराज की घटना हो, भरतपुर की घटना हो, ये देश कौन सी दिशा में जा रहा है? कैसे देश का विकास होगा? क्या ऐसे होगा देश का विकास? तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसे बिगाड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चक्कर में ना फंसें, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना फंसें। कानून का पालन करें और जो है भाईचारा कायम रखें। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि देश में जो है दंगे हो, लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको नफरत नहीं फैलानी है, आपको प्यार बांटना है। जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इनसे आपको बच के रहना है, इनके चक्कर में नहीं आना है, नहीं फंसना है आपको। और जो ये घटनाएं अभी हो रही हैं, चाहे वो भरतपुर जैसी हो, प्रयागराज की हो, और भी काफ़ी घटनाएं हो रही है, तो ऐसे पे जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग भी कानून का पालन करें, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना फंसे। मैं तो बस आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ।